अस्सलाम वालेकुम जी। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 कामों की में सरकारी मुलाज़मीन की क़यादत की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी मुजाहरा होने वाला है। तकरीबन 11 बजे यहां पे एहतजाज भरपूर एहतजाज किया जाएगा, जिसमें तहसील कामों की से तमाम असातिज़ा कराम तशरीफ़ ला रहे हैं। ये हमारी ख़वातीन असातिज़ा कराम भी तशरीफ़ लाई हैं, और जो असातिज़ा कराम नहीं आए या नहीं आ रहे उनसे गुजारिश ये है कि तहसील कामों के ज़िला गुजरांवाला में असातिज़ा के हकूक़ के लिए भरपूर एहतजाज की तैयारियां जारी हैं। सदर PTU राना आफ्ताब अहमद ख़ान और प्रिंसिपल जनाब राना मोहम्मद वसीम, जिन्होंने इस एहतजाज को ऑर्गेनाइज़ किया है, तहसील भर से तमाम असातिज़ा कराम इस एहतजाज में भरपूर। जो गिरफ्तारियां हुई है हमारी बहनों पे, जो लाठीचार्ज हुआ है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम रवायात अकदार और अखलाकियात के हामल लोग हैं। हम मुआशरे को आने वाली नस्लों को इलम की रोशनी से आश्कार करते हैं। हमारे जो नजरिया इस्लाम और नजरिया पाकिस्तान है उसकी आने वाली नस्लों को तालीम बचाने निकले हैं। थोड़ा खलोवो पीछे अंदर लाओ, देखो कितने हैं। जोर मुसम्मत करते हैं हमारा मुआशी कतल हैदरा फेर चल पॉलिसियों की वजह से असातिज़ा के लिए और मुआशरे के गरीब तबके के लिए तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। हमारे पुरमन असातिज़ा कराम पे लाठीचार्ज और उनके मोबाइल नहरों में फेंकते हैं। हम इनसे कहते हैं कि हम सिर्फ अपने हकूक के लिए नहीं निकले, हम आपके लिए भी निकले हैं। अगर हमारी नौकरी बचेगी तो आपकी भी बचेगी। अगर हमारी नौकरी बचेगी तो आप अपने हक के लिए एहतजाज भी नहीं कर सकते। अमन रहना था सेक्ट्रियट के बाहर, और वहाँ पर असातिज़ा के रहनुमाओं को जो पुरमन धरना दिए हुए थे अपने हक के लिए, उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन हमारे सरकारी इदारे बोर्ड की पोजीशन के हवाले
एमएलए से उनके हम पल्ला है। हमारी पहली दूसरी तस्वीर में पोजीशन हमारे सरकारी इदारों की है। राणा वसीम, राणा वसीम, राणा वसीम, राणा वसीम। लेकिन हमारे पास हमारे टीचर्स की मेहनत का नतीजा है कि हमारे बच्चे बोर्ड में नुमाया नंबर ले रहे हैं और पोजीशन ले रहे हैं।